दोस्तों, स्टारलिंक परियोजना इन दिनों चर्चे में खूब है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टारलिंक परियोजना क्या है और यह कैसे काम करती है और किस तरह से बिना टावर के ये 5G नेटवर्क हमारे घर में पहुंचाएगी। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जियो, एयरटेल और आइडिया का क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो सीधा सैटेलाइट के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाएगा और इसमें किसी भी टावर की जरूरत नहीं होगी। हमारे धरती से लगभग 500 से 600 किलोमीटर दूरी पर स्टारलिंक सैटेलाइट जो है घूम रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारे घर में जो है जिस तरह से DTH या डिश TV लगाते थे छतरी लगा के, उसी तरह से हमारे घर पे एक डब्बा रहेगा और उसके माध्यम से हमारे मोबाइल में अब नेटवर्क आएगा और हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलेगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में। दोस्तों, स्टारलिंक परियोजना को अमेरिका की कंपनी एक है SpaceX, जिसके मालिक हैं एलन मस्क, जो पूरे विश्व में सबसे धनवान व्यक्ति हैं आज के डेट में। स्टारलिंक का नेटवर्क खड़ा करने के लिए कंपनी ने 2018 से सैटेलाइट जो है लॉन्च करना शुरू कर दिया था। SpaceX अपने फाल्कन 9 रॉकेट से हर 2 महीने में अंतरिक्ष में स्टारलिंक सैटेलाइट भेजता है। यह 2 स्टेज में पूरा होता है। पहला स्टेज 9 महीने बाद पृथ्वी पर वापस लौट आता है, वहीं दूसरा स्टेज सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करता है। ये सैटेलाइट धरती का चक्कर लगाते हैं जो धरती से काफ़ी नज़दीक लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। SpaceX एक बार में 46 से 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करता है। ये सैटेलाइट धरती से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, ऐसे में धरती के दूसरी तरफ से इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, इस कारण से ये रात में तारों की तरह चमकते दिखाई पड़ते हैं। यह एक खूबसूरत नज़ारा होता है, ऐसा लगता है कि आसमान में तारों की ट्रेन चल रही है।